श्री श्याम बिहारी जी सेवा समिति आगरा द्वारा 18 दिसंबर को श्री श्याम महोत्सव का आयोजन MD जैन इंटर कॉलेज प्रांगण में किया जाएगा। श्री श्याम महोत्सव का पोस्टर विमोचन कर श्री श्याम बिहारी जी सेवा समिति ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजन की जानकारी देते हुए कृष्ण भक्तों से श्री श्याम महोत्सव का आनंद लेने की अपील की। मीडिया प्रभारी श्री श्याम सेवा समिति, ये कार्यक्रम 18 तारीख को MD जैन इंटर कॉलेज में हो रहा है और हम सभी आगरा वासियों को आमंत्रित करते हैं कि इसमें प्रोग्राम में आएं और इसकी शोभा बढ़ाएं, क्योंकि इसमें अपने जो खाटूश्याम मंदिर से दिग्विजय सिंह चौहान जी हैं वो आ रहे हैं और कोमल तिवारी जी हैं गायकार वो आ रहे हैं और शीतल पांडे जी आ रही हैं, बहुत बड़े कलाकार आ रहे हैं और सब जमाल मस्ती जमाल होना है और 56 भोग लगेगा और अखंड ज्योत होगी, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप सभी लोग आइए। संस्थापक श्री श्याम बिहारी जी सेवा समिति आगरा से और 18 दिसंबर को बाबा का 56 भोग महाआरती और भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी शहरवासी आगरा के आमंत्रित हैं हमारी संस्था की तरफ से, और बाबा की फूल वर्षा है, बाबा का गजरोत्सव है और जमाजम मस्ती धमाल और एक महाआरती का आयोजन किया गया है बाबा की। मैं राज अग्रवाल, संस्थापक श्री श्याम बिहारी सेवा समिति आगरा। बाबा का ये प्रथम श्याम महोत्सव मंडल द्वारा मनाया जा रहा है, सभी श्याम भक्त को इसमें आमंत्रण कर रहे हैं पूरे शहर। इसमें भजन गायक जो हैं वो शीतल पांडे जी दिल्ली से आ रहे हैं, कोमल शर्मा कानपुर से आ रही हैं, रेशमी राय जी शर्मा समस्तीपुर से आ रही हैं और राजा समरिया आगरा से हैं, और इसमें पवन साहित्य में हमारे महाराज खाटू के श्री दिग्विजय सिंह चौहान जी सीकर मंदिर से आ रहे हैं, इन सबका हमको सानिध्य प्राप्त होगा। नैना विराम भगवान श्री कृष्ण जी ने से बाबा खाटू श्याम जी ने पूछा था कि ये भावार्थ के समय पर मेरा क्या होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम चिंता ना करो, कलयुग आते ही तुम्हारी पूजा होगी, तो आज वास्तव में वो साक्षात रूप हमारे सामने आ चुका है, घर घर बाबा की पूजा हो रही है, लोग मान रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसा ये कार्यक्रम श्याम बिहारी सेवा समिति आगरा द्वारा प्रथम बार आगरा की धरती पर MD जैन प्रांगण में किया जा रहा है।